हेलो दोस्तों, आप सीख चुके हैं वेस्टर्न नोट्स के बारे में, कौन से नोट्स को क्या कहते हैं ये सब आप सीख चुके हैं पहले वाली वीडियोस में। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कॉर्ड्स क्या होते हैं। कॉर्ड्स जो बेसिकली होते हैं, एक से ज़्यादा नोट्स को जो समूह कह सकते हैं हम, ग्रुप कह सकते हैं, अगर एक साथ जो प्ले किया जाता है, साउंड क्रिएट होती है, या एक साथ जो वो ग्रुप बनाया जाता है उसको कहते हैं कॉर्ड्स। मतलब एक से ज़्यादा नोट्स को एक टाइम में प्ले करना, वो आप कॉर्ड्स कह सकते हो उनको। जो एक होता है लीड बजाना, मैं आपको एक बार प्ले करके सुनाती हूँ, अंतर बताती हूँ, डिफरेंस। सा रे गा, ये जो हमारा हो गया ये लीड साउंड हो गई, मतलब वन टाइम वन नोट। अब आप कॉर्ड की वॉइस सुनना चाहते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक भरी हुई वॉइस होती है जो बेसिकली सॉन्ग्स में जो भराव एक फीलिंग देने के लिए यूज़ करी जाती है, और किसी भी जो सॉन्ग की जो खूबसूरती है वो इससे बढ़ जाती है। आज हम सीखेंगे कॉर्ड्स, जो वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, मगर जो मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स, स्टार्टिंग में बेसिक जो कॉर्ड्स होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आपको मेजर कॉर्ड बनाने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो नोट्स का पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो आप पहले की वीडियोस देख लीजिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसकी जो सीरीज़ है, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, देन बी। अब जो मेजर कॉर्ड्स का फॉर्मूला लिया है मैंने यहाँ पे, वो लिया है 1, 5 एंड 8 का फॉर्मूला। अब देखिए, पहले सपोज जो मेजर कॉर्ड्स हैं वो हम सभी कीज़ का बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सी का ही मेजर कॉर्ड होगा या केवल सी शार्प का ही मेजर कॉर्ड होगा। जितने भी आपके पास कीज़ हैं सबके मेजर कॉर्ड्स होते हैं और सभी के माइनर कॉर्ड्स होते हैं। तो मैंने जो फॉर्मूला लिया है ये 1, 5, 8 का लिया है। आपको सबसे पहले मैं सी का मेजर कॉर्ड बना के दिखाती हूँ। तो सी का मेजर कॉर्ड बनाने के लिए सबसे सी, तो देन हम पहले सी पे अपनी फिंगर रखेंगे। यहाँ से मुझे पहला काउंट करना 1। तो पहला कॉर्ड क्या आ रहा है? 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिखूँगी सी। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा नोट आ रहा है वो आ रहा है सी। देन 2, 3, 4, 5। फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है नोट वो कौन सा आ रहा है? ई। देन 6, 7 एंड 8। जो 8 नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है जो हमारा नोट जी। अब हमारे पास 1, 5, 8 के अकॉर्डिंग एक ग्रुप आ गया है नोट्स का, जिसको हम क्या कहेंगे? सी मेजर कॉर्ड। अब इस तरीके से देखिए, 1, 5, 8 के फॉर्मूले से आप सभी के कॉर्ड्स बनाना बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको एक सिचुएशन बता देती हूँ, मे बी आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएं। इसलिए जैसे मुझे सपोज जी शार्प का कॉर्ड बनाना है, जी शार्प, तो जो पहला नोट होगा तो वो तो अंडरस्टूड है कि जी शार्प से ही हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर तो आप कहोगे कि सीरियस ख़त्म हो गई। नहीं, मगर ये जो 4 के बाद मैंने आपको बताया था, जैसा कि फिर से सी स्टार्ट होता है, यानी कि फिर से जो सीरीज स्टार्ट होगी यहाँ पर क्या होगा, हम अंडरस्टूड होगा सी सी शार्प डी डी शार्प, ऐसे ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ नोट क्या है? सी। और फर्स्ट नोट हमारा तो आपको अंडरस्टूड था, जी शार्प ही था। फिर यहाँ पर सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ एंड